Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. राजी हो सकते हैं, हो सकता मैं भी हूँ, लेकिन हो भी सकता है तो कम से कम तो हम इंडिविजुअली प्रयास है, लेकिन प्रयास तो करना ही है। हालांकि हमने इसको इंडिविजुअल किया नहीं, कहा सही से देखते हैं हमारे आस पास के इन्हीं कारणों से सबकी मजबूरियाँ सबसे सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुरेश शर्मा नाम है। डॉक्टर सुरेश शर्मा, जैसे हम देख रहे पीछे आपका नेहरू का रोको आत्म हनन वरना जाएंगे बंधक मत कफन जी, तो ये जो आपने पीछे लिख रखा श्लोक लिख रखा इसका क्या अर्थ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर आज पुण्यतिथि है पहली बात तो, दूसरे उनका तीन मूर्ति हाउस में जो स्मारक है उसको पिछले अक्टूबर 2018 से प्रधानमंत्रियों के स्मारक में कन्वर्ट करने की साजिश चल रही है ताकि नेहरू का नाम वहाँ से हमेशा के लिए हट जाए। उसके विरोध में हमारा सरकार से संघर्ष चल रहा था। जब सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाई और लंबा समय गुजर गया तब मुझे यहाँ जंतर मंतर में बैठना पड़ा। इसके बाद में दुनिया के सारे देशों से अपील करने जा रहे हैं कि ये एक जो विरासत विरोधी कार्य हो रहा है, एक ऐसी साजिश है इस देश में जो फांसीवाद नाजीवाद को बढ़ावा दे रही है और उसको अगर नहीं रोका गया तो हम डेमोक्रेसी को और सोशलिज्म को ज़्यादा समय के लिए ज़िंदा नहीं रख सकेंगे। तो ये आपकी कोई संस्था है या आप खुद इसके लिए? मैं तीन मूर्ति मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का मैं मेंबर हूँ और जो हमारी संस्था है रमेश शर्मा स्मारक शोध एवं सेवा संस्थान, उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। संग्रहालय विज्ञान में मैं डॉक्टर ऑफ फिलासफी हूँ 20 साल पहले नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से। तो इसलिए मैंने ये सवाल उठाया था कि ये संभव नहीं है टेक्निकल रूप से कि वहाँ पर हम दूसरे प्रधानमंत्री जो वहाँ रहे नहीं उनका स्मारक बनाएं, ये संभव नहीं है तो फिर ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका हमने सवाल उठाया जिसका जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने काम को जारी रखा इसलिए हमें यहाँ विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। अच्छा, अगर अब भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगले कदम आपके क्या होंगे? सवाल जो सुनवाई का नहीं, सवाल है जनजागरण का है। जब जनता इस बात को पूरी तरीके से समझती है ना तब उसका विरोध कोई नहीं कर पाता है। अभी क्या है, लोग जागरूक नहीं है, आप देख रहे हैं कि यहाँ मुझे अकेले ही आना पड़ा कहने के बावजूद भी। तो जनजागरण का इस देश में बहुत अभाव है और उसके लिए मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। अगर वो इसको प्रचारित प्रसारित करता है तो कल लोग इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी से कौन महात्मा गांधी की स्मृतियों को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, कौन लाल बहादुर शास्त्री की स्मृतियों को खत्म करना चाहेगा, इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए बलिदान दिया कौन उसको मिटाना चाहेगा, तो नेहरू को क्यों मिटाया जा रहा है? तो ये कौन कर रहा है? अभी जैसा कि हमारे पास जो आंसर आए उसमें सरकार का ही डिसीजन है कि सरकार ये मौजूदा सरकार जो 16 लोकसभा की सरकार थी उस समय, अब तो 17 लोकसभा की हो गई है या हो जाएगी, तो ये जो 16 लोकसभा की सरकार की तरफ से आंसर आया कि भाई ये सरकार का डिसीजन है इसलिए किया जा रहा है। तो हमने कहा कि भाई जब ये संभव ही नहीं है तो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो तकनीकी कि आप यहाँ लोगों को जागरूक करने आए जी, वो सबसे बड़ा सवाल है। सरकार का विरोध भी है, जनजागरण भी है, सरकार का विरोध भी, जनजागरण की जिम्मेदारी आप लोगों पे, सरकार के लिए हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं। तो लास्ट में क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे अपने साथ जोड़ने के लिए इस मैटर के लिए, इस देश के लिए जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया है, उनकी विरासत को हर कीमत पे बरकरार रखा जाए, चाहे वो भाजपा की लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे वो किसी विचारधारा के हों। अगर उन्होंने इस देश के लिए कोई कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, तो उसकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा पहला दायित्व है और वही राष्ट्रवाद है। अगर उसको वो कहीं से भी प्रभावित होता है तो उसका हर मोड़ पर उसका विरोध करना चाहिए, वो मैं विरोध कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ। लाइक शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.